नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 5th चैप्टर इंडिगो के क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप भले ही किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हों या फिर आपके पास किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो, आपको इस वीडियो लेक्चर में सभी तरह के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना किसी चीज को लेकर कि क्वेश्चन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे चलने से पहले, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को हल करने से पहले सबसे जरूरी बात होती है कि आपने उस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा हो। अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा तो इस चैप्टर को पढ़ाकर हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको YouTube पर सर्च कर लेना है इंडिगो और उसके आगे जोड़ दीजिएगा डिजायर पॉइंट। किसी भी चैप्टर के नाम के आगे केवल डिजायर पॉइंट मात्र जोड़कर आप अगर YouTube पर सर्च कर लें तो वो चैप्टर आपको YouTube में ही मिल जाएगा और वो हमने पढ़ाकर अपलोड किया होगा, ठीक है। तो यह सबसे सरल तरीका होता है किसी भी चैप्टर को पढ़ने का। तो इंडिगो डिजायर पॉइंट लिखकर आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, आपको यह चैप्टर मिल जाएगा। और अगर क्वेश्चन आंसर लिखने का समय आपके पास नहीं है, सभी चैप्टर के क्वेश्चन एक ही जगह पर आप चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पर जाकर आप डिजायर पॉइंट लिखकर सर्च कर लीजिएगा, हमारा ऐप आ जाएगा, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और उस ऐप पर रजिस्टर कर लीजिएगा। आपको सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ, ग्रामर के, बुक के सारे पीडीएफ फ्री में ऐप पर मिल जाएंगे। और अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर सीधा क्लिक करके आप प्ले स्टोर पर चले जाएंगे और प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। ऐप पर सभी क्लासेस भी लाइव चल रही हैं, डेली चल रही हैं टाइम टेबल के हिसाब से, तो आप क्लासेस भी फ्री में पढ़ सकेंगे। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं, क्वेश्चन आंसर हल करते हैं। तो हम सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला प्रश्न है व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर इन लखनऊ, यानी दिसंबर के बाद 1916 इन लखनऊ, यानी दिसंबर 1916 में लखनऊ में क्या हुआ था। तो इसका हो जाएगा कि एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वाज हैड हेल्ड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ, यानी दिसंबर 1916 में लखनऊ में भारतीय कांग्रेस पार्टी का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। दूसरा प्रश्न है हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट वाज हिज स्पेशियलिटी, राजकुमार शुक्ला कौन था और उसकी विशेषता क्या थी। तो राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण, राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक अनपढ़ किसान था, सॉरी पुअर किसान था, गरीब किसान था। ही वाज इलिटरेट बट रिस्यूल्यूट, रिस्यूल्यूट थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए ये है, तो वह इलिटरेट था, वो अनपढ़ था परंतु दृढ़ निश्चयी था, वो किसी भी काम को करने का दृढ़ निश्चय कर लेता था। अगला प्रश्न कहता है कि वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। भाई यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहता था। तो राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहता था बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू कंप्लेन, वो शिकायत करना चाहता था अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार के लैंडलॉर्ड सिस्टम के अन्याय के बारे में। अगला प्रश्न, चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िए फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर आइए, ठीक है। चलिए अब मैं एक एक लाइन एक एक वर्ड एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। व्हाट हैपेंड विथ राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद के घर पर क्या हुआ था। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी हैड टू ले ऑन द ग्राउंड, उनको जमीन पर बैठना पड़ा एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर पर। गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, गांधी जी को कुएं से पानी पीने की अनुमति नहीं थी, लेस्ट क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सम ड्रॉप्स
ऑफ इस बकेट की उनकी बाल्टी की कुछ बूंदे माइट पॉल्यूट द इंटायर सोर्स, पूरे के पूरे कुएं के पानी को ही खराब कर दें। पांचवा प्रश्न आपसे क्या पूछता है कि गांधी जी कमेंटेड इट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, एक्सप्लेन। भाई पांचवा प्रश्न है आपसे पूछ रहा है कि गांधी जी ने टिप्पणी की उन दिनों वह एक असाधारण बात थी, एक्सप्लेन। अब इसका वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए या फिर इसको समझाइए। गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने कहा इट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, यानी गांधी जी ने कहा था ना कि इट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, इसका मतलब सीधा सीधा कि गांधी जी ने टिप्पणी की थी कि उन दिनों यह एक असाधारण बात थी। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि दैट द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सरकारी कर्मचारी थे कुड नॉट डेयर, वो साहस नहीं कर पाते थे टू गिव शेल्टर, शरण देने का, अमैन एक ऐसे व्यक्ति को हु अपोज्ड, जो विरोध करता है द ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोधी है। इंडियंस वन अफ्रेड, भारतीय लोग डरते थे ऑफ शोइंग सिंपथी, दया दिखाने से, फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, ऐसे लोगों के प्रति जो होम रूल के एडवोकेट थे, होम रूल के पक्ष में थे। ठीक है, तो यही बात यहां पर। व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, बड़ा छोटा सा प्रश्न है, सीधा सीधा इसका मतलब ये हो जाएगा कि गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा। तो गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, क्योंकि वो लोग शेयर क्रॉपर्स से बहुत ज्यादा पैसे लेते थे, फीस लेते थे, इसीलिए गांधी जी ने उनको डांटा था। शेयर क्रॉपर का मतलब तो आप जानते ही हैं, बटाईदार। ठीक है, पढ़ाया था तो बताया था। चलिए, व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, चीफ है उसके बाद कमर्शियल, उसके बाद क्रॉप, फिर इन चंपारण। चंपारण में चीफ कमर्शियल क्रॉप क्या थी, यानी चंपारण में मुख्य व्यावसायिक फसल क्या थी। व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द पीजेंट्स, और जमींदारों और किसानों के बीच लंबे समय तक चलने वाला समझौता क्या था। तो इंडिगो वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, भाई ये तो आपको पता ही है कि मुख्य व्यावसायिक फसल इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल द टीनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। इसे कुछ इस तरह से समझिए कि सभी काश्तकारों को पूरी जमीन के 3/20 भाग या 15% भाग पर नील की खेती करनी होती थी और नील की पूरी फसल को किराए के रूप में देना पड़ता था। ठीक है, दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत किया जाता था, यानी लंबे समय तक चलने वाले समझौते के अंतर्गत ऐसा किया जाता था। अगला प्रश्न, वाई डिड गांधी जी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे। आठवां प्रश्न, गांधी जी को अगले दिन अदालत में उपस्थित होने का बुलावा क्यों प्राप्त हुआ। तो गांधी जी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे, गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में बुलाया गया बिकॉज गांधी जी डिसोबेड, गांधी जी ने डिसोबे किया था, पालन नहीं किया था या फिर माना नहीं था द ऑर्डर, आदेश को ऑफ पुलिस सुप्रिंटेंडेंट के टू लीव तिरहुत। उसने कहा था ना कि आप तिरहुत छोड़कर चले जाइए, तो तिरहुत छोड़ने के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट के आदेश को गांधी जी ने नहीं माना था, इसीलिए उनको कोर्ट में बुलाया गया था। तो वाई डिड गांधी जी, अगला प्रश्न है कि वाई डिड गांधी जी डिसरिगार्ड द टू ऑर्डर टू लीव चंपारण। एक सेकेंड, नौवां प्रश्न मुझे देखना होगा, यहां पर टू नहीं होगा, ये होगा वाई डिड गांधी जी डिसरिगार्ड द ऑर्डर टू लीव चंपारण, यानी सीधा सीधा नौवां प्रश्न पूछ रहा है कि गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के आदेश की उपेक्षा क्यों की थी, मतलब उन्होंने ये आदेश क्यों नहीं माना। तो गांधी जी डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव तिरहुत चंपारण बिकॉज ही वांटेड टू सर्व द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस।
यानी मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि वो मानवता और नेशनल सर्विस देश की सेवा करना चाहते थे, फॉर विच ही हैड कम टू चंपारण, और इसी के लिए वो चंपारण आए थे, इसीलिए उन्होंने चंपारण यानी तिरहुत को नहीं छोड़ा। ठीक है, चंपारण को नहीं छोड़ा, आगे चलेंगे, चंपारण ही है ना, तो हाँ चंपारण को नहीं छोड़ा। अगला प्रश्न, 10वां, व्हाट कंसर्न डिड राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज, किशोर बाबू, मौलाना, मजहारुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स शो टू गांधी जी, यानी राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहारुल हक और अन्य दूसरे नामचीन वकीलों ने गांधी जी को क्या चिंता जताई। तो यहाँ पर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहारुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, और दूसरे बहुत से नामचीन वकीलों ने शॉर्ट कंसर्न ये चिंता जताई टू गांधी जी को, व्हेन दे टोल्ड दैट इफ ही वेंट टू जेल, यदि वो जेल चले गए तो देयर वुड बी नो बडी, तो कोई भी नहीं होगा, टू एडवाइस सलाह देने के लिए, तो सलाह देने के लिए कोई नहीं होगा, एंड दे है फिर उड है फिर गो होम, और वो लोग वापस घर चले जाएंगे। अगला प्रश्न, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण। तो ये प्रश्न तो आपसे पूछा जा रहा है सीधा सीधा कि गांधी जी ने चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए क्या किया। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कि गांधी जी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ्स, यानी गांधी जी ने एक डॉक्टर नियुक्त किया, 6 महीने तक वो सेवा करे, और 3 medicines were अवेलेबल, 3 तरह की दवाइयां अवेलेबल थी, कस्टर ऑयल, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये तो आपको पता ही है। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स, कस्तूरबाई ने आश्रम के नियम समझाए, ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, यानी ये सारी चीजें उन्होंने कस्तूरबाई ने समझाई थी। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपेंड, प्राइमरी स्कूल खोले गए इन 6 villages, 6 गांवों में, 10 गांधी जी द ओवर ऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, और इस तरह से गांधी जी ने चंपारण का संपूर्ण विकास किया। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कस्तूरबाई वाइफ ऑफ गांधी जी, गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबाई, ठीक है, फॉर वुमेन ऑफ चंपारण। तो कस्तूरबा यानी गांधी जी की धर्मपत्नी का चंपारण की महिलाओं के लिए क्या योगदान था। तो कस्तूरबा यानी कस्तूरबाई यहाँ पे लिखा है, तो गेव अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर वुमेन ऑफ चंपारण, तो चंपारण की महिलाओं के लिए उनका एक विशेष योगदान रहा। शी टॉट, उन्होंने सिखाया देम, उन्हें आश्रम रूल्स, आश्रम के नियम सिखाए, ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, पर्सनल क्लीनिनेस पर और कम्युनिटी सैनिटेशन पर। शी केम टू नो स्पेशली द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ, वुमेन उसके बाद अपोस्ट्रॉफी यस लगा है, फिर क्लॉथ्स, यानी शी केम टू नो द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ, इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पर कि उनके कपड़ों की गंदी स्थिति को भी उन्होंने सुधारा, उन महिलाओं के कपड़ों की गंदी स्थिति को भी उन्होंने सुधारा था। 13वां प्रश्न है, हु वाज चार्ल्स फियर एंड्रयूज, चार्ल्स फियर एंड्रयूज कौन था, वाई डिड गांधी जी नॉट टेक हिज हेल्प फॉर हिज मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। तो चार्ल्स फियर एंड्रयूज कौन था और गांधी जी ने अपनी जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन में उसकी सहायता क्यों नहीं ली। तो चार्ल्स फियर एंड्रयूज was the English pacifist who had become a devotee follower of Gandhi ji. तो पहली लाइन का मतलब कि चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज एक अंग्रेज शांति दूत था जो गांधी जी का एक समर्पित अनुयायी बन चुका था। गांधी जी डिड नॉट वॉन्ट हिज हेल्प फॉर हिज मूवमेंट, गांधी जी अपने आंदोलन के लिए उसकी सहायता नहीं चाहते थे, अगेंस्ट लैंडलॉर्ड जमींदारों के विरुद्ध, बिकॉज क्योंकि ही वाज एन इंग्लिश मैन, वो एक अंग्रेज व्यक्ति था,
ही डिड नॉट लाइक टू सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज इन हिज मोमेंट। यानी यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि वो उसे एक बैसाखी के रूप में नहीं चाहते थे। सीक अ प्रॉप का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर कि वो एक तरह से बैसाखी हो जाता उनके लिए। वो एक अंग्रेज था ना, इसीलिए तो वो उसको एक बैसाखी के रूप में नहीं चाहते थे, वो उसका सहारा नहीं लेना चाहते थे। बैसाखी के सहारे वो चलता है जो लंगड़ा होता है, और जो सही होता है वो कभी बैसाखी के सहारे नहीं चलता, जिसके हाथ पैर दुरुस्त हैं। तो वो चीज वो कह रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन हमने लिखा है, इसीलिए ध्यान से समझिएगा, इधर उधर बार बार हमको एडजस्ट करना पड़ रहा है। आप लोग अगर यहाँ से लिखने में आपको प्रॉब्लम हो तो सीधा सीधा ऐप की मदद लीजिएगा, ऐप पर सारे क्वेश्चन आंसर अपलोड हैं, वहां से आप लिख सकेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला प्रश्न है कि हु वाज राजकुमार शुक्ला, फिर व्हाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, भाई राजकुमार शुक्ला कौन था और उसने गांधी जी से मिलने का निश्चय क्यों किया। व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हीज डिजायर, और अपने इरादे को या फिर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने क्या किया। तो राजकुमार शुक्ला वाज एन इलिटरेट बट रिजोल्यूट पुअर पीजेंट, ये तो पहले ही बताया है कि अनपढ़ था, सॉरी गरीब था, अनपढ़ था लेकिन दृढ़ निश्चय था। ही हैड कम फ्रॉम चंपारण, वो चंपारण से आया था। ही हैड डिसाइडेड टू मीट गांधी जी, उसने गांधी जी से मिलने का निश्चय किया था। He had come to the congregation, वो congregation में आया था to complain about the injustice, अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए, of the landlord system in Bihar, बिहार के landlord system की। He wanted to fulfill his desire, वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था। So he went to the house of a lawyer named राजेंद्र प्रसाद, इसीलिए वो एक lawyer के घर गया जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था। राजकुमार शुक्ला अकम्पनीड गांधी जी को भी वो साथ लेकर गया एवरीवेयर, यानी गांधी जी के साथ वो हर जगह गया। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी, इस शेयर क्रॉपर की टेनासिटी से, दृढ़ निश्चय से गांधी जी इम्प्रेस हो गए, और गांधी जी मेड द फर्म डिटरमिनेशन, और उन्होंने निश्चय किया टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट की, वो किसानों की समस्या को हल करेंगे इन चंपारण चंपारण के। एट लास्ट आखिरकार राजकुमार शुक्ला सक्सीड इन हीज एम, अपने लक्ष्य में सफल हुआ। चले आगे, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे जो टेनासिटी है ना, टेनासिटी इसका मतलब सीधा सीधा लगन है, वो उनके पीछे एकदम लग गया था। ठीक है, तो अब देखिए, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, भाई हमारा पहला दूसरा प्रश्न है कि गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे। वाट Did he find there, और उन्होंने वहां पर क्या देखा। And what did he plan for further proceedings, तो गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, उन्होंने वहां क्या अन्याय देखा, और उन्होंने आगामी कार्यवाहियों के लिए क्या योजना बनाई। तो गांधी जी रीच चंपारण ऑन रिक्वेस्ट ऑफ अ पुअर पीजेंट नेम्ड राजकुमार शुक्ला, एक गरीब किसान राजकुमार शुक्ला जिसका नाम था, उसके रिक्वेस्ट करने पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। ही हैड कम टू द कांग्रेस स्टेशन, वो कांग्रेस स्टेशन में आया था टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, कई बार ये बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा। गांधी जी एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला, गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। सीइंग हिज टेनासिटी, उसकी लगन को देखकर, एंड डिसाइडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण, और चंपारण के शेयर क्रॉपर बटाईदारों की समस्या को हल करने का उन्होंने निश्चय किया। एंड ही वेंट देयर, और वो वहां गए। रीचिंग देयर, वहां पर पहुंचकर, ही फाउंड दैट इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल्स, उन्होंने वहां पर देखा कि जो भारतीय लोग हैं ना, वो उन लोगों के प्रति दया दिखाने से डरते हैं जो होम रूल के पक्ष में हैं, जो स्वशासन के पक्ष में हैं। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी इन वकीलों को डांटा, नॉट टू चार्ज अ बिग फी फ्रॉम द पुअर प्रेजेंट, और उन्होंने कहा कि आप लोग गरीब किसानों से ज्यादा फीस मत लीजिए। ही फाउंड देयर, वहां पर उन्होंने देखा, दैट द मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंडियन टेनेंट्स,
जिसका सीधा सीधा मतलब होगा कि चंपारण जिले की ज्यादातर कृषि योग्य भूमि बड़ी बड़ी जागीरों में बटी थी, जिसके मालिक अंग्रेज थे और जिस पर भारतीय काश्तकार काम करते थे। और इसके आगे ही मेड अ प्लान, उन्होंने एक योजना बनाई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए। ही सेड टू द लॉयर्स, उन्होंने वकीलों से कहा दैट कि ही हैड गॉन टू द कंक्लूजन, वो इस निर्णय पर पहुंचे हैं या फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं दैट वी शुड स्टॉप, कि हमें बंद कर देना चाहिए गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कोर्ट में जाना, हमें कोर्ट में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट, ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाना डज लिटिल गुड, कोई विशेष लाभ नहीं है इससे। वेयर, जहां पीजेंट किसान आर शो क्रूज्ड, इतने कुचले हुए हैं एंड फियर स्ट्राइकन, और इतने डरे हुए हैं। तो यहां पे जहां किसान कुचले हुए और डरे हुए हैं, तो ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाने से कोई लाभ नहीं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, यहां पर कोर्ट बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम, उनके लिए वास्तविक रिलीफ यही होगा, वास्तविक आराम यही होगा, इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि उन्हें भय से मुक्त कराया जाए। ठीक है, तीसरा प्रश्न, व्हाट वाज द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण बिहार। तीसरा प्रश्न आपसे पूछता है कि चंपारण यानी बिहार में बटाईदारी की व्यवस्था क्या थी। हाउ डिड गांधी जी स्टार्ट हिज मिशन, गांधी जी ने अपना मिशन यानी अपना अभियान कैसे प्रारंभ किया। What difficulties did he face during his battle against injustice? और अपनी अन्याय के विरुद्ध लड़ाई में उन्होंने किन कठिनाइयों का सामना किया। तो ये देखिए यहाँ पर कि the share cropping system in Champaran, Bihar was that the chief commercial crop was indigo, यानी the share cropping system, यानी share cropping system जो था चंपारण बिहार का, वाज दैट, वो ये था कि चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, कि वहां की जो मुख्य व्यावसायिक फसल थी वो इंडिगो थी। और जो लैंड लॉर्ड्स थे ना, वो कंपेल करते थे आल टीनेंट, सभी किसानों को मजबूर करते थे टू प्लांट 320 3/20 भाग और 15% भाग ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो, उस पर वो इंडिगो लगाने के लिए उनको मजबूर करते थे। ठीक है, सीधा सीधा मतलब यहाँ पर यही है कि वो जो जमीन काश्तकार थे ना, जागीरदार थे, वो सभी काश्तकारों को, देखिए जो जागीरदार थे वो सभी काश्तकारों को पूरी जमीन के 3/20 भाग पर या फिर 15% भाग पर नील बोने के लिए कहते थे, इंडिगो बोने के लिए कहते थे, और उसके बाद इंडिगो, और सरेंडर द इंटायर इंडिगो, एंड के बाद यहाँ पर भी थी इंडिगो, उसके बाद एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, और पूरी हार्वेस्ट को, इंडिगो की पूरी फसल को एज रेंट, रेंट के रूप में, कर के रूप में वो देने को मजबूर करते थे, किराए के रूप में देने के लिए मजबूर करते थे। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किया जाता था। द लैंड लॉर्ड ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम 15% अरेंजमेंट। इसका मतलब यहाँ पर यह हो जाएगा कि उन्होंने, यानी जो जागीरदार थे, उन्होंने 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए काश्तकारों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए समझौता करवा लिया। तो इस तरफ तो हो गया, अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है, गांधी जी मेट द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले। आफ्टर दैट, इसके बाद ही कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ द तिरहुट, उसके बाद उनको ब्रिटिश कमिश्नर, तिरहुट के ब्रिटिश कमिश्नर ने बुलवाया। ही एडवाइज्ड गांधी जी, उसने गांधी जी को सलाह दी टू लीव तिरहुट, की वो तिरहुट छोड़कर चले जाए इमीडिएटली, तुरंत। अ रिपोर्ट came in that a peasant had been maltreated in a nearby village, और फिर एक रिपोर्ट आती है कि पास के ही गांव में कोई किसान है, उसके साथ बहुत वो हो गया है, क्या कहते हैं, दुर्व्यवहार किया गया था, यानी सूचना आती है कि पास के गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। ठीक है, नियर बाई विलेज। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग, गांधी जी ने जाकर देखने का निश्चय किया, और नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट,
अगली सुबह वो एक हाथी की पीठ पर बैठकर निकल पड़े। द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवर टूक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन। पुलिस सुपरिटेंडेंट के संदेश वाहक ने उनको पकड़ लिया, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके पास आ पहुंचा और उन्हें वापस टाउन में लौटने का आदेश दिया। गांधी जी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस, यानी नोटिस आता है तो आपको साइन करना पड़ता है ना, तो वही गांधी जी ने संदेश वाहक के जो नोटिस लाया था उस पर साइन किया। एंड ब्रॉट ऑन इट, और उस पर लिखा दैट ही वुड डिसओबेड ऑर्डर, कि वो ऑर्डर का पालन नहीं करेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी जी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट, और फिर उन्हें इस आदेश का उल्लंघन करने की वजह से कोर्ट में उपस्थित होने का बुलावा आया। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी जी डिसओबे द ऑर्डर ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट। अब ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जब गांधी जी ने पुलिस कप्तान के आदेश की अवज्ञा की या फिर अवहेलना की तो क्या हुआ। हाउ डिड द पीजेंट केम इन हीज सपोर्ट, कैसे किसान उनकी सपोर्ट में आ गए, उनके पक्ष में आ गए, उनकी मदद करने के लिए आ गए या फिर सहयोग में कैसे आ गए। एंड व्हाट फाइनल कंक्लूजन केम इन लाइट इन दैट रिगार्ड, और उस संबंध में क्या अंतिम निष्कर्ष सामने आया। तो व्हेन गांधी जी डिसओबेड द ऑर्डर ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट, जब उन्होंने पुलिस कप्तान के आदेश का पालन नहीं किया, तो गांधी जी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट, तो गांधी जी को कोर्ट में उपस्थित होने का बुलावा आया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द पीजेंट केम इन हिज सपोर्ट, अगले दिन किसान गांधी जी के सपोर्ट में आ गए। ठीक है, इन द मॉर्निंग द टाउन ऑफ मोतिहारी वॉज फाउंड फुल ऑफ द पीजेंट्स, सुबह मोतिहारी कस्बा किसानों से भर गया। ठीक है, कहाँ गया भाई, पीजेंट्स केम इन हिज सपोर्ट और मोतिहारी वॉज फाउंड फुल, हाँ पीजेंट्स ये हो गया था। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो किसान जो थे ना वो गांधी जी के साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड के बारे में कुछ नहीं जानते थे। दे मेयरली नो न्यू, वो तो बस इतना ही जानते थे दैट अ महात्मा, की कोई महात्मा है हु वॉन्टेड टू हेल्प देम, जो उनकी मदद करना चाहता है। वाज इन ट्रबल, और वो अब वो समस्या में फंस गया है विथ अथॉरिटीज के साथ, यानी सरकार के साथ अब उसका कोई लेना देना हो गया है, समस्या हो गई है। अ स्पॉन्शियस डिमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ द लिबरेशन। इसका मतलब तो आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो पता ही होगा कि किसानों का हजारों में स्वाभाविक प्रदर्शन न्यायालय के चारों ओर उनकी अंग्रेजों के भय से आजादी की शुरुआत थी। ठीक है, कोर्ट हाउस न्यायालय के चारों ओर वाज द बिगिनिंग, शुरुआत थी ऑफ द लिबरेशन, भय से आजादी की शुरुआत थी। ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ना, फाउंड देमसेल्फ पावरलेस, वो सब पावरलेस हो गए, उन्हें लगा उनके पास कोई शक्ति ही नहीं है। दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल द क्राउड ऑफ पीजेंट्स, वो किसानों की भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे विदाउट हेल्प ऑफ गांधी जी की सहायता के बिना। सो द जज हैव टू पोस्टपोन, ये है POSTB, उसके बाद PO यानी पोस्टपोन द ट्रायल, इसीलिए ट्रायल, इस सुनवाई को जज ने पोस्टपोन कर दिया, आगे बढ़ा दिया। फाइनली द जज सैड, आखिरकार जज ने कहा दैट ही कुड नॉट डिलीवर द जजमेंट, कि वो कोई जजमेंट नहीं डिलीवर करेंगे, कोई जजमेंट नहीं देंगे फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक। मीनवाइल इस दौरान ही अलाउड गांधी जी, उसने गांधी जी को अनुमति दे दी टू रिमेन एट लिबर्टी। रिमेन एट लिबर्टी का मतलब सीधा सीधा कि उसने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। ठीक है, अब अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें नहीं मिला तो सीधा सीधा आप डिजायर पॉइंट ऐप इंस्टॉल कीजिए और ऐप पर जाकर आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को हल कर सकते हैं। वहां पे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर PDF में अवेलेबल हैं। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप इंडिगो डिजायर पॉइंट लिखकर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहां पर आपको ये चैप्टर मिल जाएगा।
पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें।